नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको एक जानकारी बता रहे हैं कि बेलपत्र पर दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, कई जगह बेलपत्र खाने का जिक्र किया जाता है, लेकिन दोस्तों सही और सटीक जानकारी नहीं दी जाती कि आखिर आपको बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र और साधारण बेलपत्र, इन दोनों को खाने के अंदर क्या फ़र्क है और दोस्तों बेलपत्र खाने से आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव होता है। दोस्तों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो, जो आपको लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं हो, वह प्राचीन जानकारियां आपको हमारे द्वारा समय समय पर बताई जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, बेलपत्र, दोस्तों भगवान शिव की पूजा के अंदर बेलपत्र का विशेष महत्व रहा है। शिवलिंग ऐसा कोई भी नहीं होगा जिस पर हर समय बेलपत्र के पत्ते नहीं हों। और दोस्तों, बेलपत्र की एक खासियत भी होती है, जहां महादेव का स्थान होता है, महादेव का शिवलिंग हो, महादेव का मंदिर हो या महादेव से जुड़ा कोई भी जगह हो, वहां पर शिवलिंग के आसपास बेलपत्र का दोस्तों वह पौधा अपने आप ही बड़ा होने लगता है, चाहे वह भूमि उसके अनुकूल हो या नहीं हो। इतनी दोस्तों भगवान शिव और बेलपत्र की यह सार्थकता एक साथ रही है। तो दोस्तों, कई लोग हमें सवाल करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा गया बेलपत्र खा सकते हैं क्या। दोस्तों बिल्कुल, आपको शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाने का कई गुना लाभ प्राप्त होता है और इससे दोस्तों आपका स्वास्थ्य भी सुधार होता है। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाते हैं तो दोस्तों इससे भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन पर देखने को मिलती है। प्रत्येक सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में उस बेलपत्र को ग्रहण करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, उस बेलपत्र के साथ धतूरा, आंक का या भांग, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल मात्र बेलपत्र होना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद देखने को मिले। और दोस्तों दूसरी चीज, बेलपत्र को खाने से आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, स्वास्थ्य के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। दोस्तों उच्च रक्तदाब अर्थात कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ दोस्तों डायबिटीज, जिन लोगों को शुगर की समस्या रहती है, दोस्तों वह एक दिन में केवल आधा बेलपत्र खा लेते हैं तो देखते ही देखते धीरे धीरे उनको शुगर की समस्याएँ समाप्त हो जाती है और भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगर पति पत्नी के मध्य तकरार रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा रहता है, दोस्तों कई बार एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आना या किसी व्यक्ति का मन हमेशा गुस्सेल स्वभाव का रहता है और लाख प्रयत्न करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता, तो दोस्तों रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने बस मात्र एक बेलपत्र का पत्ता, जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया था, वह बेलपत्र का पत्ता अगर आप अपने सिरहाने रखकर सो जाते हैं तो दोस्तों बड़े से बड़े लोग भी शांत स्वभाव के हो जाते हैं। जो उनका स्वभाव असमय बिगड़ जाता था या शांत नहीं रहता था, दोस्तों उन लोगों का स्वभाव भी शांत रहने लगता है और भोलेनाथ की कृपा उनके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ ही दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को जल और बेलपत्र चढ़ाता है वह दीर्घायु को प्राप्त करता है, हर परिवार के अंदर उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की धन की हानि नहीं होती और देखते ही देखते वह व्यक्ति समाज के अंदर अच्छा नाम कमाता है। तो आप प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लें। इसी तरह दोस्तों, ऐसे लोग दोस्तों जो कि हमेशा थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं, पति पत्नी के मध्य संबंधों को लेकर कई बार तकरार आ जाता है, कई बार देखने को मिलता है कि उनका रिश्ता टूटने के कगार पर होता है और वह हताशा और निराशा से घिर जाते हैं, तो दोस्तों लगातार 11 दिन तक बेलपत्र का सेवन करके देखिए, पारिवारिक रिश्तों और साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्तों के मध्य मधुरता आती है, जोश की जो कमी थी वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है और पति पत्नी के मध्य रिश्ते मजबूत देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र के साथ साथ एक रुद्राक्ष चढ़ाते हैं छोटा सा मन का भी, तो समझ जाइए कि आपका बिगड़ा काम बन जाता है, आपको आपके कार्यों के अंदर पूर्ति देखने को मिल जाती है और भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद मिल जाता है। तो उम्मीद है
जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।